अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमने दो गाड़ियां खरीदी हैं, दो कारें खरीदी हैं, उनकी प्राइस क्या है हम आपको शुरू में ही बता देते हैं। इंतहाई मुनासिब कीमत में हमें मिली है, क्योंकि घर में खड़ी थी। दोनों की जो कीमत है 1,75,000 है, यानी कि 1,75,000 में हमें वो मिली है। कल हम दियाना देकर आए हैं और आज हम वो कारें वहाँ से यहाँ पर लाने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकले हैं बाइक पर मियांवाली से कलूरकोट के लिए। ज़िला बखर का इलाका है कलूरकोट, और वहाँ पर एक घर है जहाँ ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से हम ये गाड़ियाँ लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम वो गाड़ियाँ लेने निकल पड़े हैं। वो गाड़ियाँ दोनों आपको दिखाते हैं, देखिएगा और हमें बताइएगा कि हमने जो सौदा किया है अच्छा किया है या बुरा किया है, ज़रूर बताइएगा। हम जा रहे हैं और हम ख़ुद काफ़ी पुरजोश है कि हम आज दो गाड़ियां जो कि हमने कल ख़रीदी थी, बयाना देकर आए थे, और आज ख़रीदने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सौदा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जाते हैं और देखते हैं गाड़ियां। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल मकसूद पर। ये देख सकते हैं, एक तो ये गाड़ी है जो कि टोयोटा क्रोला है, 1982 मॉडल है। एक ये गाड़ी है, 1,75,000 में दो गाड़ियां हमने ख़रीदी हैं। ये खड़ी हुई है लेकिन इसके टायर पंचर नहीं है, टायरों में हवा मौजूद है। इसके अलावा इसकी कंडीशन आप देखें, ये टोयोटा क्रोला 1982 मॉडल है जो कि हमने ख़रीदी है। इसकी कंडीशन आप देखिए और हमें बताइएगा कि ये गाड़ी कितने में होनी चाहिए। 1,75,000 में से ये गाड़ी कितने की है, हमारी ये जो गाड़ी है कितने की सेल हो जाएगी। अब चलते हैं फिर दूसरी गाड़ी की तरफ। ये दूसरी गाड़ी है, बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, इंतहाई सस्ती गाड़ियाँ हैं। तो ये जो है FX 83 मॉडल है। दोनों कराची के नंबर हैं और दोनों की जो कंडीशन है वो इसलिए डाउन है कि ये दोनों एक साल से एक घर में खड़ी हैं। तो इस गाड़ी में बैटरी लगा दी गई है और इसे अब चलाया जाएगा। जो है, लड़के पेट्रोल लेने गए हैं, पेट्रोल लेकर आएंगे। तो हमने सोचा कि इस FX को चलाएं, FX को स्टार्ट करें और इसी के साथ बांध कर लेकर जाएंगे, जो टोयोटा क्रोला है उससे साथ इसके टो करके लेकर जाएंगे। क्योंकि दोनों गाड़ियां, उसको स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका कार्बोरेटर भी खुला हुआ है। तो ये जो गाड़ी है FX, ये इन्होंने कहा है कि ये इजीली स्टार्ट हो जाएगी। इसके टायरों की कंडीशन आपके सामने है। वीडियो दिखाने का मकसद ये कि आप भी कभी कहीं सौदा करें तो हो सकता है हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठा लें। इसमें स्टपनी भी मौजूद है, इसकी सीटें भी मौजूद हैं, इसकी कंडीशन गुजारे लायक है, टायरों की कंडीशन अच्छी है। तो ये गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ दूसरी गाड़ी को बांध कर लेकर जाएंगे। तो थोड़ी सी दूसरी गाड़ी की तरफ नज़र घुमाते हैं एक मरतबा फिर, दूसरी गाड़ी भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बैक लुक बहुत अच्छी है। और ये जो गाड़ियां हैं, ये 1982 टोयोटा क्रोला बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, बहुत मज़बूत गाड़ियाँ थी। अगर ये गाड़ी भी हमने स्टार्ट कर ली तो ये अगर इसे हम मॉडिफाइड कर लेते हैं या इस पर थोड़ा सा खर्चा करते हैं तो ये हमारी अच्छी कीमत में निकल जाएगी। अगर 1,10,000 में ये पड़ रही है हमें, तो यकीनन हम अगर 10-20,000 इस पर खर्चा कर लें, फिलहाल थोड़ा सा खर्चा कर लें, तो ये 1.5 लाख से ऊपर ऊपर की जाएगी। आप टायर भी देख सकते हैं, टायरों की कंडीशन तो गुजारे वाली है, दरवाजे भी बिल्कुल ठीक ठाक है, तमाम शीशे भी मौजूद हैं, सीटें भी गुजारे लायक बेहतर हैं। तो ये गाड़ी हमें प्रॉफिट दे सकती है। तो बहरहाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्या करें। बहरहाल इस वक्त तो हमारा मकसद ये है कि ये दोनों गाड़ियां किसी न किसी तरीके से मियांवाली ले जाएं, जहां जाकर इनके बारे में सोचा जाए कि इनके बारे क्या करना है, अगला हमारा लायमल क्या होगा। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये ख़रीदी हैं, एक ही बात है, उसने ख़रीदी है या मैं ख़रीदूँ, वो एक ही बात है। तो उसने ख़रीदी है, अगला लायमल बाद में होगा। तो इसमें आप स्टपनी भी देख सकते हैं, इसमें भी स्टपनी मौजूद है और डिग्गी की कंडीशन भी अच्छी है। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और इससे आप बहुत ज़्यादा इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक मकसद कारोबार करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। तो ये जो कार है सुजुकी FX, इसे स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसे स्टार्ट किया गया है।
हमें कामयाबी मिली है, इसे स्टार्ट कर लिया गया है और इस वक्त ये स्टार्ट है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ज़बरदस्त आवाज़ है। तो ये स्टार्ट कर ली गई है और अब इसे यहाँ से निकाला जाएगा। और पेट्रोल क्योंकि हमने थोड़ा सा मोटरसाइकिल से निकाल कर डाल दिया था, तो अब इसे हम टो करेंगे, दूसरी गाड़ी भी हम साथ ले आए हैं और इसे इसके लिए स्पेशल रस्सा होता है उसके ज़रिए हम इसे टो करेंगे और फिर इसे बांध कर लेकर जाएंगे। तो एफएक्स ये लो जी, हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई और गाड़ियां अब निकल चुकी हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये दोनों गाड़ियां मंजिल की तरफ जा रही हैं, टोयोटा करोला को खींच रही है सुजुकी एफएक्स। तो इससे ताकत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है एफएक्स की, कि एफएक्स की क्या सूरत हाल है। बहरहाल देखिए, तो हम फाइनली ले आए हैं दोनों गाड़ियां यहां पर। इसकी हम थोड़ी सी रुदाद आपको बताते चलें कि हम कैसे कैसे लाए हैं। मियांवाली में ये दोनों गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आज बारिश हो रही थी जब हम पहुंचे हैं, तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। तो ये वहां आपको बताते चलें कि ये जो गाड़ी है दोनों स्टार्ट हो गई थी, सुजुकी एफएक्स स्टार्ट की गई, लेकिन रास्ते में आकर वो थोड़ी हीट दे रही थी क्योंकि ये बड़ी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी को खींच रही थी। तो फिर बाद में हमने आकर उसकी जो बैटरी, क्योंकि बैटरी हमें एक ही मिली थी तो एक ही को करना था, तो उसका इसका जो कार्बोरेटर है, ये जो टोयोटा करोला है इसका कार्बोरेटर जो है ख़राब था, तो हमने सुजुकी एफएक्स का कार्बोरेटर इसी टोयोटा करोला में डाला और टोयोटा करोला में थोड़ा सा खर्चा करके टोयोटा करोला को हमने स्टार्ट करवाया। हमारा तकरीबन 1000 रुपये खर्चा आ गया। अच्छा, क्लूर कोट से लेकर इधर तक हमारा जो टोटल पेट्रोल का खर्चा आया है वो तकरीबन 3500 रुपये आया है। कमो बेश 60 किलोमीटर के लगभग का फासला हमने तय किया है और 3500 का पेट्रोल फ्यूल कंज्यूम हुआ है। और उसकी वजह यह कि एक गाड़ी का पर प्रेशर है, यानी कि 8-10 किलोमीटर ये चली है, बड़ी गाड़ी को इसने खींचा है और फिर टोयोटा करोला ने फिर इसको खींच कर लाई है यहाँ पर मियांवाली तक। तो ये दोनों गाड़ियों का हमने आपको रिव्यू कराया है, ये दोनों दिखाई हैं, ये दोनों हमें 1,75,000 में मिली हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते तमाम अखराजात को मिलाकर, कमीशन मिलाकर, सारा कुछ मिलाकर हमें 1,90,000 में पड़ गई हैं। अब इनका क्या करना है ये तो हम बाद में सोचेंगे। इस वक्त इसका एस्टीमेट अगर निकालें, एक गाड़ी की जो कीमत है, प्राइस है, इस गाड़ी की कीमत, ये जो आप देख रहे हैं टोयोटा करोला, इसकी कीमत हमने 1,10,000 लगा दी है और जो दूसरी गाड़ी है वो 80,000 में हमें पड़ गई है। तो 1,10,000 की ये बड़ी गाड़ी टोयोटा करोला 1982 और 80,000 में हमें एफएक्स कार पड़ी है। तो ये हमने कीमत निकाली है दोनों की। अब हमारी कोशिश है, हमारा जो दोस्त है उसकी कोशिश है कि वो इनसे मुनाफा कमाएगा और यकीनन मुनाफा कमा लेगा क्योंकि जो है ये बहुत सस्ती मिल गई है। आगे इस इनसे जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से कमाया जा सकता है अगर इन पर थोड़ा सा खर्चा किया जाए, इनको मॉडिफाइड किया जाए और ख़र्चा करके फिर इन्हें बेचा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी, गाड़ियां कैसी लगी, कीमत आपको कैसी लगी, ये सारा कुछ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।